व्हाट्सअप पीपल, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी एफ व्लॉग्स। तो अभी हो रही है सुबह, मतलब अभी जस्ट उठा हूँ मैं। तो अभी जाते हैं स्विमिंग पूल में, कल तो गया नहीं था तो आज जाते हैं। अभी मॉर्निंग वहीं पे नहाते हैं और फिर आज नॉर्थ गोवा घूमने गए, बहुत सारे प्लेसेस घूमने गए, जैसे कि अरम्बल बीच हो गया, मापुसा बीच, अंजुना बीच, कलंगुट बीच, बागा बीच, ऐसे बहुत सारे बीचेस है वो घूमेंगे। दो तीन स्पॉट्स है वहाँ पे, फोटोज़ वगैरह निकालने जाएंगे, देखते क्या होता है। फिलहाल तो अभी जाते हैं ऊपर नहाते और फिर नीचे आके मिलता हूँ आपको। चिकन थाली मंगाया है। ये रेस्टोरेंट का नाम नमस्ते फैमिली रेस्टोरेंट है। तो अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे। फिलहाल तो अभी छास मंगाया है, पहले छास पिएंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। और दिन की शुरुआत करते हैं, आया हूँ पहले बीच पे, बागा बीच। यहाँ पे आपको शॉपिंग का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से एंट्री है, दोनों तरफ से जा सकते हैं। और ये नारियल का पेड़ बोले तो गोवा की पहचान है। तो अंदर जाते आपको बता देता हूँ मैं क्या कर सकते क्या नहीं। और आप देख सकते हो बीच में मैंने एंटर कर दिया है और क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। मैं आया हूँ फिलहाल बागा बीच पे और अभी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं। फिलहाल तो आपको जो राइड्स है वाटर स्पोर्ट्स उसके प्राइजेस बता देता हूँ कितना है कितना नहीं, उसके बाद आगे जाएंगे फोटोज़ वीडियोज़ निकालेंगे, फिर आपको बताता हूँ डिटेल में बहुत कुछ। और जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने ये बनाया अभी फ़िलहाल, तो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। अभी आपको मैं प्राइसेस बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे पैरासेलिंग का 800 रुपये है पर पर्सन, जेट्स की राइड 500 रुपये पर पर्सन, बम्पर राइड 600 फॉर 2 पर्सन है,
फिर बोट राइड है पर पर्सन 500 रुपया, और डॉल्फिन राइड, बनाना राइड, स्पीड बोट, ये आपको दिखता ही है क्या है, कितना है कितना नहीं। और यहाँ से अभी जाते हैं, थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं। यहाँ पे बहुत धूप है, सनी हो गया बीच पूरा, और यहाँ पे मछुआरे लोग बहुत सारे, देखते जाके फिश कौन सा है, और आपको भी दिखाता हूँ क्या फिश है क्या नहीं, ये लोग कैसा करते हैं, जाके देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत सारे जन हैं जो कि जाला छुड़ा रहे हैं, उन लोग के जाले में से मछलियाँ निकाल रहे हैं लोग। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी मछलियाँ है, और बोट्स वगैरह भी बहुत है ये लोग के ही है सब। तो जाके पूछते हैं, खाली बांगड़ा ही है क्या भाई? जैसे कि आपने देखा होगा राइड्स का क्या है क्या नहीं, और मछुआरे लोग ने बहुत सारा मछली पकड़ा था, तो 100 रुपये का 25 पीस आता है, मतलब एक वाटा आता है 100 रुपीज़ का, 25 पीसेस। और अभी बागा बीच आप क्राउड देख सकते हो, फुल खचाखच भरा हुआ है। आपको मैं क्राउड का एक सिनेमेटिक दे देता हूँ वीडियो। अभी जाते थोड़ा फ़ोटोज़ निकालते और फिर दूसरी बीच पर जाके एक्सप्लोर करते हैं। शूज़ पहना है लेकिन मिट्टी में पूरा, मतलब उसका शूज वाइट शूज है, वो मिट्टी में पूरा गंदा हो रहा है। अभी जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। और जाके आ गए मैं बागा बीच पे से, बहुत देर टाइम पास किया। अभी और 2-3 बीच बाकी है, भागवत और अंजुना बीच, तो जाते वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। Wow, this is something different. थोड़ा अलग सा है कंपेयर टू बाकी के बीचेस, ये एकदम हटके है और थोड़ा अलग ही है। अब व्यू चेकआउट करो, बहुत बेहतरीन है। We'll be right back.
अभी फिलहाल मैं आ गया रूम पे। आप सोचते होंगे कि मैंने चेंज कहाँ किया, तो मैं गया था अंजुना बीच पे। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बागा बीच पे गया था, दोपहर को निकल गया था मैं 12 बजे रूम से निकल गया था, 1-1.5 बजे तक खा लिया नमस्ते फैमिली रेस्टोरेंट में, जो कि मैंने आपको बताया चिकन थाली 200 रुपये का था। और वो एक रेस्टोरेंट अच्छा था, जा सकते फैमिली जा सकते और कपल्स जा सकते हैं, सिंगल जो आता है अकेला ग्रुप में जो आते हैं वो लोग भी जाके खा सकते हैं। चीप था, मतलब ज़्यादा भी चीप नहीं ज़्यादा भी महंगा नहीं था, नॉर्मल रेट्स था। फिर मैं गया बागा बीच पे, बागा बीच पे बहुत बहुत मतलब बहुत क्राउड था, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह निकाला, थोड़ा आगे चल के गए देखने के लिए कि कुछ है या नहीं है, तो वहाँ पे भी शेक्स वगैरह चालू है। और गोवा में सबसे सस्ता चीज़ मतलब अल्कोहल, सबसे सस्ती दारू और आइसक्रीम, 10 रुपये का आइसक्रीम इधर 40 रुपये में, मतलब क्या ही बोलूँ यार, इतना रेट डबल है, बहुत सारी चीज़ें का रेट डबल है। तो मैं बागा बीच पे गया था तो ये बना के लिया मैंने, जो कि आपने देखा है वीडियो में। फिर उसके बाद मैं उधर से अंजुना बीच गया, वावादार बीच भी जाने वाला था। सब बीच मोस्ट ऑफ ऑल सब बीच मतलब सबके सब बीच सेम है, तो ये अपना अंजुना बीच जो था वो थोड़ा अलग लगा मुझे, थोड़ा मतलब बहुत डिफरेंस था बीच में। तो वहाँ से हर बीच पे सैंड सैंड होता है, ये बीच पे सैंड नहीं था, ये बीच पे रेड मिट्टी थी और नीचे पानी के किनारे जा नहीं सकते थे, जा सकते थे लेकिन उसके लिए दूसरा रास्ता था। तो मुझे ये एक अच्छा लगा कि अंजुना बीच अलग है, बाकी कलंगूट बीच, बागा बीच, बागोदार बीच और मापुसा बीच, ये सब सब बीच, अरम्बल बीच, सब बीच सेम है। तो आज मैं ज़्यादा घूम नहीं पाया क्योंकि बागा बीच पे ज़्यादा टाइम था मैं, तो कल का दिन आखिरी दिन होगा मेरा गोवा में। आपने इसके पहले के 2 व्लॉग्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाओ जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और आज का व्लॉग यही तक था, अभी फ़िलहाल व्लॉग एंड करने का टाइम है, मैं शूट कर रहा था एसजे कैम्प में, तो 6 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, 6 बजे के बाद ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, तो मैं वीडियो शूट करना बंद कर दिया था और अभी रूम पे आया हूँ मैं। आज के लिए इतना ही था, व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरा लुक कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, चैनल पर नए हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।